जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें रोज़ गुरुजी का शुक्राना क्यों और कैसे करना चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, हमें जो मिला है गुरुजी से उसका शुक्राना करो। आज जो हमारे पास है बहुत लोगों के पास उतना भी नहीं है। शुक्राना करो कि पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं से रोटी मिल ही जाती है। जहां हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है, वहां गुरु जी की रहमत शुरू हो ही जाती है। कई बार हम परेशानियों से इतना थक जाते हैं कि हमें जो मिला है वो दिखाई नहीं देता, बस वो परेशानी दिखाई देने लग जाती है। लेकिन हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि जब लगता है सब रास्ते बंद हो गए तो गुरु जी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। इसके गवाह लाखों भक्त हैं जो हर पल उनका शुक्राना करते हैं। किसी ने खूब लिखा है कि शुक्र है ईश्वर का कि मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, इसका मतलब मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग भी रास्ता छोड़ दिया करते हैं। किसी भी परेशानी के आने पर उसके सकारात्मक पहलू को ज़रूर देखना चाहिए। शुक्राना करो कि जो दिया है जैसा दिया है आपका शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करते रहे कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया, हमारे सब काम पूरे किए और जो भी मुसीबतें आई आपने उसे पल भर में दूर कर दिया। आपका शुक्राना, इतना सब और इतना जल्दी करने का शुक्राना, हमारे दिलों में प्यार भरने का शुक्राना, उस हर पल का जिसमें हम अपने बच्चों से मिल पाते हैं, उन्हें प्यार कर पाते हैं शुक्राना, उस पल का जो अपनों के साथ बिताए शुक्राना, आपका गुरुजी की आपने हर मुसीबत से हमें निकाला, गुरुजी के दर पर जो भी आया वो कभी खाली नहीं गया। जिसने भी गुरुजी का शुक्राना किया गुरुजी ने बिना कहे उसकी सब विशेष पूरी कर दी। मैंने जब भी गुरुजी का आशीर्वाद महसूस किया तो सोचा क्यों ना यही आशीर्वाद बाकी लोगों को भी दिलवाया जाए। जब मेरा भला हो सकता है तो गुरुजी से जुड़ने वाले का सबका भला हो सकता है। इसलिए आपको ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में जो भी दुखी लगे उसको बड़े मंदिर ज़रूर लाओ, उसको गुरुजी की संगत ज़रूर बनाओ, उनको गुरुजी के बारे में, मिरेकल्स के बारे में सब बताओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपके थ्रू किसी भी संगत को खुशियाँ मिले या उनका भला हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी का मौका क्या होगा। जब भी आप उन्हें खुश देखोगे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ये सोचकर कि आज ये मेरी वजह से खुश है। किसी के घर में खुशियाँ आई हैं, जब भी आपको किसी की भी हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि हेल्प फाइनेंशियली ही होती है, लोगों के दुख बांटने से, लोगों के दुख दूर कराने से भी हेल्प होती है। तो कोशिश कीजिए जितनों को आप गुरु परिवार बना सके आप बनाएं, लेकिन किसी से भी जबरदस्ती नहीं करनी है। उनको सिर्फ एक बार गुरुजी के बारे में ज़रूर बताएं, क्या पता गुरुजी आपके थ्रू उनको संगत बनाना चाहते हों, क्या पता उनका कल्याण आपके थ्रू होना हो, गुरुजी आपके थ्रू ही उनको संगत बनवाना चाहते हों, जिससे गुरुजी को जो सेवा लेनी होती है वो खुद निकलवा ही लेते हैं। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।